किसानों को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से केंद्र और प्रदेश सरकार लगातार नई नई योजनाएं लेकर आ रही है। किसानों की आय को दुगनी करने का हर संभव प्रयास किया जा रहा है। सीमित संसाधनों में किसानों की आय को दुगना किस तरह किया जा सके, इस पर कृषि विभाग मंथन कर रहा है और किसानों को जहां एक और उन्नत बीज दिए जा रहे हैं, वहीं उन्हें कृषि की आधुनिक तकनीकों से भी जोड़ा जा रहा है। पहले हिमाचल के किसान खेतों में हल जोता कर केवल पशुओं का उपयोग करते थे, लेकिन अब उन्हें छोटे ट्रैक्टर दिए जा रहे हैं, जिस पर कृषि विभाग द्वारा भारी अनुदान भी दिया जा रहा है, ताकि किसान आसानी से अपने खेतों को जोत सकें और अधिक पैदावार प्राप्त कर सकें। इसके अलावा कई तरह की मशीनें भी किसानों को अनुदान के रूप में दी जा रही हैं। सोलन कृषि विभाग के SM एस हीरालाल आजाद ने बताया कि कृषि विभाग किसानों की आय को दुगना करने का हर संभव प्रयास कर रही है, जिसके चलते अब कृषि विभाग जिला सोलन के किसानों को भारी अनुदान पर छोटे ट्रैक्टर और ग्रास कटर देना शुरू कर चुकी है। इसमें इस वर्ष करीब 82 ट्रैक्टर किसानों को अनुदान के रूप में वितरित किए गए। एक ट्रैक्टर पर 25,000 का अनुदान दिया जा रहा है, वहीं ग्रास कटर पर 10,000 रुपये तक का अनुदान किसानों को दिया जा रहा है। उन्होंने बताया कि छोटे ट्रैक्टर सोलन के किसानों की पहली पसंद बन चुके हैं। इन ट्रैक्टरों के हल्के होने के कारण इन्हें कहीं भी लेकर जाया जा सकता है और आसानी से खेतों को जोता जा सकता है। इन ट्रैक्टरों से खेत पशुओं के मुकाबले अच्छी तरह से और कम समय में जोत जाना संभव हो पाया है। यही कारण है कि उनके पास इन ट्रैक्टरों के लिए बेहद आवेदन आ चुके हैं। उन्होंने बताया कि प्रदेश और केंद्र सरकार को ट्रैक्टरों की संख्या बढ़ाने का निवेदन किया गया है, ताकि जिला के और किसानों को इस योजना का लाभ मिल सके। जैसे मशीनीकरण का दौर है, अब तो किसान जो है वो मशीनों पर आधारित खेती को ज़्यादा प्रेफरेंस दे रहे हैं। इस बार हमने 60 ब्रश कटर घास काटने की मशीनें किसानों को मुहैया करवाई, जो जिस पे 10,000 प्रति मशीन के हिसाब से सब्सिडी किसानों को दी, और ट्रैक्टर 82 ट्रैक्टर जिसके ऊपर करीब 20 लाख रुपए की का अनुदान किसानों को इस ब्लॉक से उपलब्ध करवाया गया। हमारे डिप्टी डायरेक्टर महोदय आदरणीय डॉक्टर राजेश कौशिक जी, उनका हर संभव सहयोग रहता है हमारे साथ, और उनके निर्देश भी यही है कि किसानों की सेवा में जो भी कदम हम उठा सकें आप सुनिश्चित करें, और किसानों को जितने से ज़्यादा फायदे हम दे सकें उसको आपको सुनिश्चित करने के लिए हमारे लिए हमेशा उनका सहयोग रहता है। ट्रैक्टर पर 25,000 रुपये सब्सिडी देते हैं, अगर ट्रैक्टर की कीमत 50,000 या 50,000 से ऊपर हो, छोटे ट्रैक्टर है ये, अगर 50,000 से कम कीमत का ट्रैक्टर हो तो उसका 50% अनुदान जो है वो किसानों को दिया जाता है। तो कौन कौन से किसान जो है इसमें लाभान्वित? जो हमारे ब्लॉक के किसान हैं, अब हमारे पास फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के तरीके से हमने रखा है। पेंडेंसी अभी भी हमारे पास पड़ी है, कोई 70 एप्लीकेशंस के करीब पेंडिंग पड़ी है। हमने कृषि उपनिदेशक महोदय से आग्रह किया था कि अगर कुछ और बजट का प्रावधान हो सकता है तो कृपया हमको दें, ताकि हम और किसानों की सेवा भी कर सकें। और 25,000 इसके लिए कुछ नहीं, एक सिंपल एप्लीकेशन फॉर्म है विभाग द्वारा, उसके साथ हम एक कोटेशन लेते हैं और जमाबंदी लेते हैं, आधार कार्ड की कॉपी लेते हैं, उस बेस पे हम अपने डिप्टी डायरेक्टर ऑफिस उन कागज़ों को भेजते हैं और बजट के प्रावधान के अनुसार वो सैंक्शन होते हैं, और सैंक्शन होने के बाद हम किसानों को खरीदने के लिए दूरभाष द्वारा या पर्सनली जैसे भी हम कॉन्टैक्ट कर सके उनको बताते हैं। वो खरीदने के बाद अपना बिल देते हैं और जो भी डॉक्यूमेंट्स जरूरी होते हैं वो देते हैं, उसके बाद सब्सिडी जो है डायरेक्ट उनके खाते में चली जाती है।